सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का गेम प्ले काफी ज्यादा ऑसम होने वाला है और इस गेम में न्यू एक्सूट वाला बंदा भी आया है। तो यहाँ पे मैं लैंड हुआ था इवेंट पे और लैंड होते मेरे को तुरंत गन मिल जाती है और मेरे आस पास यहाँ पे काफी सारे बंदे लैंड हुए हैं। यहाँ पे नीचे वाले रूम में एक बंदा और रहता है लेकिन मैं उस पर पुश इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी एचपी यहाँ पे काफी ज्यादा लो है। तो यहाँ पे मैं अभी अपनी गन रिलोड कर रहा था और तभी मेरे को लेफ्ट साइड से एनिमी का फुट आता है। अब यहाँ पे सामने की तरफ न्यू एक्सूट वाला बंदा रहता है तो सबसे पहले मैं अपनी गन रिलोड करता हूँ और उतने में उस बंदे पे दूसरे स्क्वाड के बंदे पुश कर देते हैं। फिर देखो क्या होता है। यहाँ पे एक्सूट वाले बंदे को दूसरे टीम के बंदे नॉक कर देते हैं और उन बंदों को मैं नॉक कर देता हूँ और एक्सूट वाले बंदे का किल भी मैं ले लेता हूँ। वॉच आउट। ये बंदा मेरे टीममेट को मारने के लिए काफी चुपके से आ रहा था लेकिन मैं इसको यहाँ पे नॉक कर देता हूँ और इसको नॉक करने के बाद मैं इस पे पुश करता हूँ। यहाँ पे एक यही दिक्कत है कि आपको कहीं से भी गोलियां पड़ सकती हैं। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई मैं सेफ हूँ, आजा। तो रिवाइव होते मैं सबसे पहले इग्लू के अंदर जाता हूँ क्योंकि मेरे पास हीलिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अपने टीममेट को ही सेनेट फेंक दिया। नहीं हिल सकता ना, आगे भी बैठा है। यहाँ पे मैं इस साइड आके बंदों की पेटियां लूट रहा था क्योंकि मेरे पास ज्यादा लूट नहीं थी और तभी पीछे से एक बंदा आता है। यहाँ पे इस बंदे का किल मेरे को मिल जाता है और इस बंदे की पेटी लूटने के बाद मैं यहाँ से जा ही रहा था तभी देखो मेरे साथ क्या होता है। Watch out. Help. मैं यहाँ पे कवर में आने के बाद जाके नॉक होता हूँ और अब ये बंदे हम लोगों पे पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकॉल होकर आ जाता हूँ इस साइड और यहाँ पे पहले से बंदे रहते हैं। Watch out! तो ये बंदा यहाँ पे नॉक हो जाता है और जैसे मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ तभी देखो मेरे साथ क्या होता है। Watch out! Help! तो ये बंदा मेरे को यहाँ पे M24 से नॉक कर देता है। तो अभी हम लोग इन बंदों को देख ही रहे थे तभी हम लोगों के साइड में एक स्क्वाड और आ जाती है और फिर देखो क्या होता है। Watch out. Thank you. यहाँ पे मैं जैसे ही इस बंदे को नॉक करता हूँ तो जो हम लोग के साइड में स्क्वाड रहती है वो हम लोग के बगल लगा में आके बैठ जाती है और ये बंदे हम लोगों पे पुश करने की फिराक में है।
Watch out. तो यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ और ये बंदे उस एक्चुअल वाले बंदे के टीममेट्स हैं क्योंकि उसका भी नाम सेम ऐसे ही था। तो अब मैं एक और मैच स्टार्ट कर लेता हूँ और इस मैच में भी मैं इवेंट पे ही लैंड होता हूँ और सामने तब एक बंदा रहता है। यहाँ पे ये बंदा मेरे को वेक्टर से नॉक कर देता है और फिर मैं रिकॉल होने के बाद वापस यहीं पे आता हूँ। वापस रिकॉल होने के बाद मैं उस बंदे को मारने के लिए जा ही रहा था तभी मैं टीममेट उस बंदे को नॉक कर देता है। गुड जॉब। यहाँ पे मैं अभी थोड़ा लूट ही कर रहा था उतने में वो बंदा वापस रिकॉल होकर आ जाता है हम लोगों को मारने के लिए। यहाँ पे मैं टीममेट फिर से उस बंदे को नॉक कर देता है और इस बार इस बंदे के साथ इसका टीममेट भी आया था। तो इन बंदों को मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ दूसरे बंदों की तलाश में। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पोचंकी में और यहाँ पे मेरे टीममेट्स की बंदों में फाइट हो रही थी। फाइट के बीच में एक बंदा अपनी शक्तियां यूज करके अपनी जान बचा के भाग जाता है। उसके बाद मैं भी अपनी अंदरूनी शक्ति यूज करके उड़ जाता हूं और अभी जो होने वाला है ना उसके लिए आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक करोगे। वॉच आउट, वॉच आउट। इस बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैं इसके पीछे कब आ जाता हूं और इसका दूसरा वाला बंदा मेरे टीममेट को नॉक एंड फिनिश कर देता है। अरे यार पार्टी से मारा कोई पीछे से बिल्डिंग में भी है ऊपर से। तो यहाँ पे ये बंदा भी नॉक हो चुका है और इस बंदे को मैं टीममेट फिनिश कर देता है। यहाँ पे मैं अभी इन बंदों की पेटियां लूट रहा था उतने में पीछे से दूसरी स्क्वाड आ जाती है और फिर देखो क्या होता है। नॉक फिनिश, नॉक होने का नहीं है बस सीधा फिनिश। यहाँ पे ये बंदा नॉक होते होते रह गया और अब ये बंदे मेरी लोकेशन जान चुके हैं तो मैं अपनी हेल्थ मारने के बाद अपनी लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। चार नंबर भाई कैंपर है वो। कभी कहीं पड़ा है? डीबीएस लेके बैठा है। उसी को मार रहा था एक पीछे से मार दिया। क्या कर रहा है बंदा? ये बंदा मेरे पे पुश करने आया था और इसके साथ कुछ उल्टा ही हो जाता है और अभी भी ये स्क्वाड फिनिश नहीं हुई। इसके बंदे अभी भी बाकी हैं। सामने तब एक बंदा नॉक है और पीछे तब दो स्क्वाड में आपस में फाइट चल रही है और अब मैं इन बंदों पे पुश कर देता हूँ। Someone has been here. तो
फाइनली अब जाके ये स्क्वाड फिनिश हो चुकी है और अभी भी एक बंदा बचा हुआ है जो कि सामने तब कहीं कैंप करके बैठा है और ये पता नहीं किस टीम का है। Awesome. ये बंदा अपने आप को काफी ज्यादा होशियार समझ जाता है, ये बिल्कुल फुट नहीं दे रहा था जिससे कि हम लोग ये समझ पाए कि ये बंदा यहाँ पे नहीं है और ये चला गया है। और जैसे मैं यहाँ पे बग्गी में बैठता हूँ तो ये बंदा साइड से आता है और मेरे टीममेट को ये नॉक कर देता है, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी भी देरी करता तो ये यहाँ पे सीधा मेरे टीममेट को फिनिश डालता, लेकिन मैं इस बंदे को यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जोन में जा रहा था और यहाँ पे पहले से बंदे बैठे रहते हैं और तभी देखो क्या होता है। ये बंदे हम लोगों को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे देते हैं लेकिन किसी को भी नॉक नहीं कर पाते हैं। फिर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि मैं इन बंदों के सामने ले घर के छत पे जाके इन बंदों को नॉक इन फिनिश कर दूंगा और तब देखो मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पे मैं नॉक होते होते बच जाता हूँ। यहाँ पे इस बंदे से परेशान होकर मैं इस बंदे पे सीधा पुश कर देता हूँ। हाँ नहीं देखने आ रहा नहीं होगा। रश कर रहा है। पावर ही नहीं। Awesome. ये बंदा अपनी अंदरूनी शक्तियां यूज करने जा रहा था लेकिन उससे पहले मैं इसको मार देता हूँ और इसकी पेटी लूटने के बाद हम लोग निकलते हैं जोन में। यहाँ पे हम लोगों को साइड से दूसरी स्क्वाड मार देती है। तो आप लोगों को ये गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और गेम प्ले पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।